तो आज हम थोड़ा कियान को बाहर पार्क लेके आ गए थे मॉर्निंग में ही, मतलब 11-12 बज रहे होंगे उस टाइम पे। काफ़ी परेशान कर रहा था बाहर आने के लिए, और हम सब नीचे बैठे हुए थे तो सोचा कि उसको बाहर ही लेकर आ जाते हैं थोड़ा देर के लिए। कैनू भाई, आज हमारे घर वाली जो आंटी हैं सफाई वाली वो नहीं है, इनकी उनके वहाँ किसी की डेथ हो रखी है। और आज ही हमें पता चला कि हमारे भी किसी रिलेटिव में डेथ हो रखी है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारी रात से ही पूरा ख़राब हो रखा मूड, क्योंकि रात को ही हमें 2 बजे पता चला था और 2 बजे से पहले सो नहीं रहा था, तो हम ठीक से सो ही नहीं। रात को आंटी आ नहीं रही है, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा घर का सफाई, क्योंकि एकदम से ना सफाई करने वाली आंटी को ढूंढना मुश्किल होता है न्यू को लगाना। अभी तो कियान को नीचे छोड़ दिए, गौरव हैं, मम्मी भी सब नीचे हैं, तो सोचा कि ऊपर आके मैं फटाफट पहले घर का काम कर लेती हूँ, अदरवाइज फिर वो ठीक से ना कर नहीं देता। और इसकी शैतानियाँ देखो जरा। क्यानू, मैंने झाड़ू लगा दिया। क्यानू, पोछा लगाना है अब। और आज जो है मुझे 3 बजे बैठने काम करने के लिए, क्योंकि जिसमें हम काम करते हैं वो थोड़ा अपडेट होगा, तो इसलिए हमें लेट बैठना काम करने के लिए। एंड पेटी की सब्जी बनाई है, पहले कढ़ाई भी बना रही थी बट बहुत टाइम लग रहा था, एंड मतलब मूड सा नहीं था कि कुछ भी टाइम में ज़्यादा किसी में लगाऊं, तो इसलिए बस मैंने कढ़ाई से हटा के प्रेशर कुकर में डाल दी सब्जी और उसमें सीटी लगा दी। बस रोटी बना रही हूँ, एंड आज बिल्कुल भी मन नहीं था मतलब कुछ भी ऐसा काम करने का, बट क्या करें, घर के काम होते ही ऐसे कि चाहे मन हो ना हो, मूड हो ना हो, कुछ भी हो जाए बट काम करने ही पड़ते हैं। तो सब्जी मैंने निकाल दी है और इसमें मैं आलू बॉईल करके रख दूँगी, क्यान खाता है इसलिए। और 3 बजे बैठना है तो सोचा कुछ जो मेरे पास एक्स्ट्रा काम है वो मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि माइंड फिर ना वहीं लगा रहता है। तो ये था कि मेरे पास अमेज़ोन का ही बॉक्स आया था, तो मैं क्या करती हूँ जो बॉक्स होते हैं ना उसमें अपना राशन का सामान रख लेती हूँ और उसको ऐसे करके सेट कर लेती हूँ। पहले था ये, तो इन सबको ना मैं अभी हटा दूँगी और जो काम की चीज़ें बस वही रखूँगी, एंड ठीक से सेटल डाउन मैंने कर लिया है। एंड लेट बैठना है तो मैंने ये है कि आज जितना भी घर का काम है किचन पूरे समेट के रखूँगी, ताकि बस रात का 12 बजे तक बैठना है तो रात के बर्तन आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसको करने में। अगर नहीं भी हुआ तो फिर सैटरडे को मैं कर लूँगी मॉर्निंग में। तो उसके हिसाब से अभी मैं सारा प्लान ऐसा करके चल रही हूँ, थोड़ा चेंज है मेरा जो रूटीन होता है उससे अलग है, बट फिर भी सब कुछ ठीक से करके चलना है, ताकि मुझे बाद में ना प्रेशर फील ना हो कि मुझे किचन का भी करना है, यहाँ का भी करना है। और वैसे ही माइंड में 10 चीज़ें अभी वैसे ही चल रही हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बस जो काम है वो कर रही हूँ, 3 बजे का वेट कर रही हूँ ताकि थोड़ा माइंड में डाइवर्ट हो जाए और भी ज़्यादा। हाय, तो आज मैं ऐसे आई हूँ ना, मैं कुछ ऐसी बातें करने के लिए आई हूँ। कल क्या हुआ, कल क्या सोया 2 बजे, जल्दी सो गया था, बब उठे यार था, क्योंकि उसको ना उसका दाढ़ आ रही है तो उसका पेन हो रहा था रात को, तो बाबा उठे जा रहा था। एंड जैसे ही आँख लगने वाली थी 2 बजे, तो पता चला कि हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है। और ये है कि डेथ आजकल मैं इतना कॉमनली सुन रही हूँ ना, मतलब सबसे पहले मैंने सुनी थी स्नैपी गर्ल का, जो सपना जी है, उनके पहले शादी हुई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर दोबारा शादी हुई, दोबारा उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड फिर जो हमारे घर में काम करने आते हैं उनके किसी रिलेटिव में डेथ हो गई। मतलब इन सब की जो एज है ना, मैं जो एज देख रही हूँ 35 to 50 के बीच की है, उनकी डेथ हो गई। फिर कुछ टेलीविज़न में कोई टीवी एक्टर है, उनकी डेथ हो गई, उनके भी कुछ सेम एज ही होगी। और फिर जो हमारे रिलेटिव की डेथ हुई, उनके भी कुछ सेम ही 40 45 की एज थी। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना, मतलब अलग ही फीलिंग होती है, मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या ही बोले और मतलब ऐसा क्यों हो गया किसी के साथ। और वैसे तो ऐसी चीज़ किसी के साथ होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब कोई होता ना कि बहुत बुरा ख्याल, उसमें भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ किसी के साथ होती है ना, मतलब ये तो हमने 2 बार सह रखी है, मम्मी के टाइम में भी, पापा के टाइम में भी, मतलब पूरी ज़िंदगी जो है ना उलट पुलट हो जाती है। अब जो मैं चार के बारे में मैंने सुना है, अब उनकी लाइफ में उनके बच्चे हैं, उनकी मदर हैं, उनकी वाइफ, उनसे पता नहीं क्या होगा, कैसे वो रहेंगे,
गॉड नोज, बस ये है कि भगवान उनको इतनी हिम्मत दें, अच्छे से जो दुख है उससे पार होए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो कैन तो अब उठ गया था, 3 बज गए थे, 3 बजे तक ही उठ जाता है। तो मैं अपना काम करने के लिए बैठ गई एंड थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब था, माइंड भी डिस्टर्ब था एंड नींद रात को आई नहीं थी। 4 या 4 बजे के आसपास हम सोए थे, तो बस कुछ ज़्यादा ही उलट पुलट हो गया ना माइंड का एंड रूटीन का बिल्कुल। बट क्या करें, काम तो करना ही है। कैन कल वीडियो में आएगा, तू अच्छी से स्माइल कर। पता नहीं। तो बस मम्मी को हमने ऊपर बुला लिया था क्योंकि थोड़ा मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो जाए, ज्ञान के साथ खिलते रहेंगी एंड हम चले गए थे फिर सामान लेने के लिए। एंड बस रात का मैं खाना बना रही हूँ और उसके बाद खाकर सीधा मैं बैठ जाऊँगी अपना काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कितना लंबा दिन हो रहा है आज कि काम ही ख़त्म नहीं हो रहा आज, ऑफिस का भी नहीं और क्या ही करें आज तो माइंड ही कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कहें क्या काम करें, ऐसे ही दिन जा रहा है बस आज टाइम के साथ साथ। तो टाइम ज़्यादा था नहीं, ब्रेक ज़्यादा ले नहीं सकते थे क्योंकि मैं बाहर भी गई थी, तो मैंने दाल रख दी है ताकि जल्दी बन जाए, उसमें वैसे के वैसे तो मैं तड़का लगा देती हूँ, आटा गूंद के फटाफट बस रोटी बना के बस खाना खाने बैठूँगी फिर मैं एंड बर्तन बाद में ही करूँगी 12 बजे के बाद, या थोड़ा ब्रेक लूँगी तो उसके बीच में बस, नहीं तो अब मैं उठूँगी नहीं क्योंकि अभी मुझे ज्ञान को भी सलाना होगा तो उसमें भी मुझे टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ही मेरा आज का रूटीन था, थोड़ा डिस्टर्ब था बट फिर भी मैनेज तो करना ही है। तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितना भी आज जैसा भी मूड हो, घर के काम एंड सब कुछ वैसे ही रहता है, वो हमें एक्टिवली करना ही पड़ता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फिर दोबारा मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।